जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बरसात आती है, तो हमें याद आती है चटपटी स्पाइसी सी पकौड़ियों की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पकौड़ियाँ, वो भी आलू की फूली फूली क्रंची क्रिस्पी। तो ये तो है नॉर्मल पकौड़ियों की बात, लेकिन हम इस रेसिपी के अंदर डालने वाले हैं बहुत टेस्टी स्वादिष्ट एक तड़का, एक ट्विस्ट, जो कि आपको इसकी पूरी वीडियो देखने में पता चलेगा, जिसकी वजह से आप ये पकौड़ियाँ जो हैं एक बार खाएंगे तो बार बार ऐसा मन करेगा कि जब भी पकौड़ियाँ बनाएं तो इसी रेसिपी से बनाएं। और आज से पहले आपने इस तरीके से पकौड़ियाँ कभी नहीं बनाई होंगी, कभी नहीं खाई होंगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू की पकौड़ियों की ये नई खास रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो में लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं खास पकौड़ियों के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। जैसे ही मॉनसून आता है, बारिश की शुरुआत होती है, तो हमें सबसे पहले याद आती हैं पकौड़ियाँ। और पकौड़ियाँ तो आप जानते हैं बहुत अलग अलग तरीके की बनती है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे ही आलू की पकौड़ियों की रेसिपी, जो कि देखने में बहुत टेस्टी लगते हैं, खाने में बहुत क्रिस्पी होते हैं और एकदम फूली फूली आलू की पकौड़ियाँ बन के तैयार होती है। तो ये रेसिपी बहुत खास है, बहुत अलग है, क्योंकि इस टेस्ट और स्वाद के साथ आपने आज से पहले आलू की पकौड़ियाँ नहीं खाई होगी, तो एक बार बनानी तो बनती है। तो शुरू करते हैं इस मॉनसून के लिए स्पेशली आलू की क्रिस्पी बहुत ही क्रंची सी पकौड़ियाँ बनानी। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे आलू, और आलू कच्चे आलू, और कच्चे आलू को हम छील के इस तरीके से गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। जिस भी साइज़ के आलू हैं, आप कोशिश कीजिए कि मीडियम साइज़ के आलू लें और उन्हें ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला, इस साइज़ में हम गोल गोल के तरीके से कट कर लेंगे और उन्हें पानी में हमें भिगाना है, जिससे कि वो काले नहीं पड़े। तो यहाँ पर मैंने तीन आलू लिए हैं, उन्हें कट कर लिया है। और इसके साथ चाहिए बेसन पकौड़ी बनाने के लिए, साथ में हम लेंगे क्रिस्पी करने के लिए चावल का आटा और कुछ सब्जियाँ। जी हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये आपने आज से पहले पकौड़ियों में नहीं देखी होगी, तो इसी टेस्ट और फ्लेवर के साथ हम बहुत ही यम्मी पकौड़ी बनाने वाले हैं, जिसमें हमने लिए हैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, दो मीडियम साइज़ की प्याज, थोड़ी सी करी लीव, आप इसकी जगह हरा धनिया, पुदीना वगैरह जो आपको पसंद है वो भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल पकौड़ियाँ तलने के लिए, मसाले में हम लेंगे चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, नमक, साबुत ज़ीरा, मुझे साबुत ज़ीरा बहुत पसंद है पकौड़ियों में इसलिए मैं साबुत ज़ीरा ले रही हूँ, आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे है धनिया पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आलू की क्रंची क्रिस्पी सी पकौड़ियाँ बनाना। जैसा कि मैंने कहा, आज से पहले इस टेस्ट फ्लेवर के साथ आपने कभी पकौड़ियाँ नहीं खाई होंगी और ये बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। तो शुरू करते हैं पकौड़ी की ये बहुत ही खास और नई रेसिपी। तो पकौड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले जो ये हमने सामान लिए हैं, जैसे कि हरी मिर्च, प्याज, करी लीफ, अदरक और लहसुन, सभी को हमें पेस्ट बनाना है। जी हाँ, पेस्ट तैयार करना है इन सभी चीज़ों का हमें। और आप यहाँ पर हरा धनिया, पुदीने वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पीसने के लिए और एकदम स्मूथ पेस्ट जो है इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। आइए तो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट चेक कर लेते हैं, और ये पेस्ट पिस चुका है। अब इस पूरे पेस्ट को हम एक किसी बाउल में बाहर निकालेंगे। प्याज का पेस्ट बिल्कुल तैयार है और बहुत ही बारीक पीसा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पेस्ट है वो बहुत बारीक पीसा जाए। और अब इस पेस्ट के बाद शुरू करते हैं बैटर बनाना पकौड़ियों के लिए। तो यहाँ पे अब मैं एक बाउल ले रही हूँ जिसमें हम बैटर बनाएंगे, और अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। यहाँ पे हमने आधे बाउल के करीब बेसन लिया है, और अब बेसन में हम डालेंगे चावल का आटा। किसी भी पकौड़ी को अगर आपको क्रिस्पी क्रंची बनाना है तो उसके लिए आपको चावल का आटा ऐड करना ही करना है, और चावल का आटा मार्केट में मिल जाता है पिसा पिसाया। अगर नहीं मिल रहा है तो आप घर पे बना सकते हैं, चावल को, सूखे चावलों को पीसिए और पाउडर तैयार कर लीजिए और उन्हें छन्नी में छान दीजिए, तो ये पाउडर चावल का तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अब मैंने दो बड़े चमचे लिए हैं चावल के आटे के। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले, जैसे कि चिली फ्लेक्स, तो हमने हरी मिर्च ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप अपने अनुसार इसमें चिली फ्लेक्स मिक्स मिर्च का यूज़ कीजिए, या फिर आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है चाट मसाला आधी छोटी चम्मच,
एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी, एक पिंच हल्दी ऐड करिए जिससे कि कलर बहुत अच्छा है। साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार, स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच के करीब, बाकी हम बाद में टेस्ट करके भी नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब बारी है साबुत जीरे की, तो वो भी यहाँ पर हम डाल रहे हैं एक चौथाई चम्मच। आप चाहें तो इसकी जगह पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं जीरे का। तो अब यहाँ पे सारे सूखे मसाले इसके अंदर जा चुके हैं, हम मिक्स कर देते हैं सूखे मसालों को बेसन और चावल के साथ। ये जो हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं, वैसे तो पकौड़ियाँ आपने बहुत बनाई भी होंगी, खाई भी होंगी, लेकिन यकीन मानिए इस टेस्ट और फ्लेवर के साथ आपने कभी भी पकौड़ियाँ नहीं खाई होंगी। और इसके बाद आप कभी भी पकौड़ी बनाएंगे ना, तो आप हमेशा, मुझे पता है, सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट फ्लेवर है वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पर सभी सूखे मसाले मिक्स करने के बाद अब बारी है इसमें ये पेस्ट की, जो हमने प्याज का और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालना है। तो ये सारा पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिलाने के लिए हमें चाहिए पानी, तो यहाँ पर हम डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि हमें पकौड़ियों के लिए बैटर तैयार करना है। अभी ये बैटर बहुत गाढ़ा है, तो हमें थोड़ा पानी और इसमें डालना है। तो यहाँ पर पकौड़ियों का जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे, जहाँ पर तेल भी बिल्कुल अच्छे से गर्म है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, बैटर अच्छे से तैयार है बेसन का, और जो आलू हैं वो हमने पहले ही कट करे हुए हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आलू की पकौड़ियाँ बनाना। तो सबसे पहले जो हमें बैटर है, इसमें हमें ये जो आलू है इसे अच्छे से डिप करना है, जिससे कि बेसन इसमें अच्छे से लग जाए। और अब इसके बाद इसे हम तेल में तलने के लिए डालेंगे। पकौड़ियों को पलटना शुरू करेंगे। जैसे पकौड़ियाँ फूलनी शुरू होंगी हम उन्हें पलट देंगे। ये आलू की पकौड़ियाँ एकदम फूली फूली, क्रंची, क्रिस्पी बनती हैं। बहुत ही अच्छी टेस्ट और फ्लेवर आता है जो हमने इसमें अदरक, प्याज, लहसुन और करी पत्ती पीसी हैं उसकी वजह से। और जो आपको लगे पकौड़ियाँ कि अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो उन्हें हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए एकदम फूली फूली क्रिस्पी पकौड़ियाँ। सभी पकौड़ियाँ बनके तैयार है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और फूली फूली क्रंची क्रिस्पी सी पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इनकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है 5 मिनट में आलू की फूली फूली क्रंची क्रिस्पी सी पकौड़ियाँ, बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो आप एक बार आलू की पकौड़ी का बैटर इस रेसिपी के साथ ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक करके मुझे बताइएगा आपको ये आलू की पकौड़ियों की रेसिपी कैसी लगी, इसका टेस्ट स्वाद कैसा लगा, तो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।